मिनट, ठीक है, अबाउट द पार्टिंग लाइन। ठीक है, पार्टिंग लाइन, चलिए पार्टिंग लाइन के बारे में क्या पता हुई अभी तक आपको? पार्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द? बिल्कुल, तो बेसिकली कोर और कैविटी को जो दो भागों में बांटता है उसको हम लोग पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस बोलते हैं, ये बोल सकते हो। लेकिन जो पार्टिंग लाइन कहाँ पर बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टिंग लाइन कहाँ पर बनती है। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास ये कंपोनेंट है लाइन की, तो अगर इसके अंदर मैं बोलूंगा कि पार्टिंग लाइन कहाँ बनेगी, तो आप बताओ कहाँ बनेगी इसके अंदर पार्टिंग लाइन? पार्टिंग लाइन बनेगी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इसका ये वाला जो एंगल हुआ क्या हुआ, ये पॉजिटिव एंगल हुआ, ये नेगेटिव एंगल हुआ। तो जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल दोनों मेट करेंगे जिस पॉइंट पर, वो क्या होगा, उसका पार्टिंग लाइन होगा। राइट, अगर मान के चलो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है वो इधर भी हो सकता है, 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 कहीं पर कर्व पर भी हो सकता है। वो जरूरी थोड़ी है कि मतलब वो एक एक लाइन पे होगा या प्लेन पे होगा। राइट, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई वो जरूरी थोड़ी है कि वो एक एक प्लेन पे ही मिलेगा आपको हमेशा, या फिर स्केप में मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राइट, तो भाई वो कहीं पर भी मिल सकता है ना, कहीं पर भी मिल सकता है। तो भाई बेसिकली पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस क्या हुआ कि जो कोर और कैविटी को जो अलग करता है, जहां पर नेगेटिव और तो पॉजिटिव एंगल जहां पर मेट करेंगे उसको हम लोग पार्टिंग लाइन और तो पार्टिंग सरफेस कहेंगे। राइट, जनरली जो पार्टिंग सरफेस हमारे पास होती है वो कितनी है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ भाई किसी भी कंपोनेंट को देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको पार्टिंग लाइन जरूर नजर आएगी, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। राइट, टाइप्स ऑफ पार्टिंग लाइन कितनी तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिंग लाइन, फ्लैट पार्टिंग लाइन और द नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन। दो तरह के पार्टिंग लाइन होते हैं, एक फ्लैट होता है, एक नॉन फ्लैट होता है। अब फ्लैट में हम लोगों ने देखा है, जैसे ये फ्लैट है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बना दिया कंपोनेंट और ये क्या हो गया, एक फ्लैट पार्टिंग लाइन बन गया, तो कोर और कैविटी निकल गया। राइट, नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक स्टेप आई है। ये कंपोनेंट है, मान लो ये मेरा एक कंपोनेंट है, ये रहा कंपोनेंट और ये कंपोनेंट यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पर इसका इस तरह से हो रहा है और फिर ये एक स्टेप बन गया ऐसा, तो दिस इज नथिंग बट दिस द स्टेप, एक स्टेप बन गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। ये क्या हुआ, ये स्टेप, और ये क्या हुआ, एंगल, कि भाई इसके बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया लाइक दिस। मान के चलो अगर कोई कंपोनेंट है लाइक दिस, तो इसके बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया कंपोनेंट और उसके बीच में, तो ये एंगल पार्टिंग लाइन बन गई। राइट, अब इसी तरह से क्या होगा, एक प्रोफाइल बन जाएगा। कभी कभी मान के चलो ये कंपोनेंट है और कंपोनेंट के बीच से हम लोगों को इस तरह से प्रोफाइल निकालना पड़ा, प्रोफाइल निकालना पड़ा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोफाइल बन जाएगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स पार्टिंग लाइन सरफेस, ठीक है, जिसको हम लोगों को सरफेसिंग से निकालना होता है। मतलब आप मोल्ड बना सकते हो, मोल्ड बेस भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा किसी कंपोनेंट की कोर और कैविटी निकालना है, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट आएगा तो आप अटक जाओगे बीच में। राइट और रॉन्ग, कि आपकी कोर और कैविटी नहीं निकलेगी तो फिर उसका मोल्ड बेस कैसे क्रिएट करोगे, है कि नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग यही समझेंगे कि किसी कंपोनेंट के लिए पार्टिंग लाइन को हम लोग कैसे निकालते हैं, उस चीज को हम लोग थोड़ा समझेंगे। राइट, ठीक है, यूजिंग 3D कर्व एंड द सरफेस। ठीक है, तो चलो अभी अगर ये वाले कंपोनेंट को फिर से देखता हूं मैं, तो देखो इसके अंदर पार्टिंग लाइन कैसे निकली है। जैसे कि अभी ये कंपोनेंट है, तो इसका देखो इस फेस पे भी, इस प्लेन पे भी है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये कर्व जा रहा है, फिर उसके बाद फिर ये नीचे इस तरह से मुड़ रहा हुआ है कंपोनेंट की ज्योमेट्री के हिसाब से, फिर ये देखो ये फिर इधर से स्टेप है कुछ इस तरह से, फिर इधर कर्व है अगेन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यूसिंग हम लोगों ने किसका इस्तेमाल करा, इसके अंदर सरफेसिंग, सरफेसिंग का इस्तेमाल करके इसको हम लोगों ने क्रिएट करा है। राइट, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, कुछ मैं कंपोनेंट लेता हूँ, देखना जरा अभी जरा इसको हटाते हैं जरा, चलो 1 मिनट, यहाँ पर एक कंपोनेंट ले लेते हैं, कंपोनेंट जरा, चलो ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं भाई, इसको भी डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट पहले देखा है आपने, चल देखा है, चलो और कंपोनेंट लेते हैं थोड़े से, चलिए 1 मिनट, एक दो कंपोनेंट लेते हैं जो थोड़े आपको ऐसे लगेंगे क्रिटिकल कि भाई इसकी पार्टिंग लाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो चीज को हम लोग थोड़ा सा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो ठीक है, ये हो गया और ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये देखो
अब ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या है भाई, ये तो देखा होगा, शीशे कंपोनेंट है, क्या है ये, टूथब्रश, टूथब्रश है राइट। तो भाई अगर ये प्लास्टिक का कंपोनेंट है, अगर मैं इसको बोलूंगा कि इसकी पार्टिंग लाइन निकालो, तो आप इसकी पार्टिंग लाइन कैसे जनरेट करोगे भाई, देखो अगर, क्योंकि इसकी पार्टिंग लाइन कैसी होगी, अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो इसकी पार्टिंग लाइन कैसी होगी, इसकी पार्टिंग लाइन है दोनों सर्फेस के बीच में होगी, मतलब ये कुछ यहां पर होगी, लेकिन फाइंड आउट करना मुश्किल है कि मैं एग्जैक्ट पॉइंट कहां से निकालूं, राइट, फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एग्जैक्ट पॉइंट कहां से निकालूं, राइट। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सरफेस। अब इस तरह के कंपोनेंट के लिए हमको पहले एक लेआउट क्रिएट करना पड़ता है, इसके लिए लेआउट मतलब कि हम लोग उसको टॉप में रखेंगे कैसे, मतलब मोल्ड के अंदर मुझे रखना है तो मुझे इसको इस तरह से रखना है, मुझे इसको इस तरह से रखना है, या फिर आप मोल्ड के अंदर मुझे रखना है तो इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से रख सकता हूं क्या मैं, बताऊंगा, रख सकता था, लेकिन कब रख सकता था, जब ये छेद नहीं होते, अगर ये छेद नहीं होते ना, ये जो दिख रहे हैं आपको छेद, अगर ये नहीं होते तो मैं इसको ऐसे रख सकता था, लेकिन अभी अगर जो ये छेद है तो ये वाले जो छेद है किसमें चले जाएंगे, ये कोर वाले एरिया में चले जाएंगे, कोर में या केविटी में चले जाएंगे, राइट और रॉन्ग, कोर या केविटी में चले जाएंगे ना छेद, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो भाई अब यह हुआ, तो इसका जो जो अलाइनमेंट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, टॉप व्यू से मैं देखूं तो ऐसा रहेगा। अब देखना जरा, अब मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा कि भाई इसका ये कैसे बनेगा, तो चलिए आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास, चलिए 1 मिनट, एक का हमारे पास कमांड है एक्सट्रैक्ट कर, ठीक है एक्सट्रैक्ट कर। अब मैं, मुझे पता है कि मेरा टॉप व्यू ये है, मेरा टॉप व्यू है, तो मैं सिलेक्ट कर्व का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, और इस कंपोनेंट को टॉप व्यू पर क्लिक करूंगा, देखो क्लिक करा मैंने, और ये क्या करेगा, जैसे क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट करेगा इस तरह से, मगर अगर एग्जांपल के लिए मैं अगर इसके ऊपर एक रोशनी डाल रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर एक रोशनी डाली, तो भाई जहां जहां पर से रोशनी को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, वहां वहां पर क्या करेगा, ये लाइन क्रिएट कर देगा, मतलब पीछे और आगे का सिस्टम है, मतलब कोई चीज उसके पीछे है, कोई चीज उसके आगे है, तो कहां से उसके पीछे होती, किस पॉइंट से, उसमें क्या बना देगा, कर्व क्रिएट कर देगा, देखो जरा, देखा, आया समझ में। अब ये एक्स वाई और जेड है, एक बार फिर से, फिर से एक बार, चलो एक बार फिर से पीछे ले जाते हैं इसको, एक बार फिर से पीछे ले जाए, राइट। मैंने बोला कि भाई इसका लेआउट कैसा होगा, इसका लेआउट, मैंने बोला कि इसका लेआउट कुछ इस तरह से होगा, मतलब टॉप व्यू से अगर मैं इसके मोड को देखूंगा तो मेरा कंपोनेंट ऐसा कुछ दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, राइट, ऐसा दिखेगा। तो मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसके कर्व क्रिएट करना है, किसके लिए, कोरोर कैविटी के लिए। तो भाई इसका कोरोर कैविटी कैसे बने, राइट। तो मैंने बोला एक्सट्रैक्ट कर्व पे गया, मैंने सिल आउट कर्व पे मैंने क्लिक किया, और इसको वैसा का वैसा प्रोजेक्ट कर लिया, जो इसका कर्व है वैसा मैंने उसी उसी ऑब्जेक्ट पे मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, देखो जरा। तो ये अब मैंने प्रोजेक्ट करा, यहां से कैंसिल कर दिया, तो यहां पर इसका कर्व आ गया, देखो जरा, ये कर्व जनरेट हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये क्या हुआ, कर्व जनरेट हुआ, कर्व जनरेट हुआ, राइट। अभी ये कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सरफेस क्रिएट कर लेंगे। भाई हम लोगों ने क्या करा, मैंने एक्सट्रूड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूड कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने सिंगल कर्व लिया लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैंने अभी जीरो कर दिया, और इधर कर दिया भाई, इसको मैंने कर दिया टैग, देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर इसको भी मैंने क्लिक करा, देखो ये इसको भी क्लिक करा लाइक दिस, ठीक है, इसको भी इस तरह से क्लिक करा, ये क्या बन रहा है, इसका एक सरफेस क्रिएट हो रही है, राइट और रॉन्ग। उसी तरह से पीछे भी एक सरफेस क्रिएट होगी, राइट, और इसको मैं कर दिया ओके, आया कि नहीं समझ में। अरे भाई आपके अगर एक बार सरफेस बन जाएगी तो फिर आप उसको और आगे बना सकते हो ना, कोई दिक्कत आएगी क्या, ठीक है। तो ये इसका फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल कैविटी, हमने उस लाइन से पार्टिंग लाइन से क्या बनाया, पार्टिंग सरफेस क्रिएट करा है, क्या बोल रहे हो, ये देखो, एंड में है ना, यहां पर भी है ना कर्व, लेकिन इसको हमको जनरेट करना पड़ेगा ना, ये कुछ चीजें तो हमको जनरेट करके देखनी पड़ेगी, जैसे कि हाँ
मतलब अगर एकदम अगर एक कमांड से ही पूरा काम हो जाए तो फिर क्या बात है, ऐसा नहीं होता ना, फिर मेहनत होती है, बट कुछ ना तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, राइट। चलो देखते हैं। ठीक है, फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं भाई, और यहाँ पर अपना ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा काम है, ठीक है। अब इसके अंदर एक इसका मोल्ड वगैरह अवेलेबल है, किसी चीज के लिए बनाया होगा। चलो देखते हैं, ये देखो देखो देखो, ठीक है, ये कंपोनेंट है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसके कर्व को जनरेट किया, कर्व को जनरेट किया, ठीक है। ये देखो कर्व को जनरेट किया यहाँ पर, ये देखो मेरा कर्व, ठीक है। अब उसको ऐसा एक्सट्रूड करेंगे, ये एक्सट्रूड करा, देखो ये ऐसा एक्सट्रूड किया। अब ये यहाँ पर नहीं बना ना अभी, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर है, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, राइट। देखो ये सरफेस को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, राइट। देखो ये करा आगे एक्सटेंड, ठीक है, ये आगे एक्सटेंड करा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैंने कंपोनेंट को थोड़ा मूव कर लिया, और फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है सेम सरफेस पे, लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक स्केच क्रिएट करा लाइक दिस, और मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, देखो ये स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब जब स्प्लिट करा तो ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कैविटी इंसर्ट, द कैविटी इंसर्ट की तरह काम करेगा ये। अब मैंने इसके पीछे नीचे क्या करी, मैंने एक्सट्रूड करे फिर इस कर्व को नीचे तक, राइट। इसको बीच में से काट देता हूँ मैं, यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया, देखो ये रहा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको बाउंड प्लेन से इसको बंद कर देंगे, 1 मिनट, बाउंड प्लेन से इसको बंद कर देंगे लाइक दिस, एंड सेव कमांड। दिस इज नथिंग बट दिस इज द सॉलिड, क्लियर हुआ। सब्सट्रैक्ट कर देते भाई इसमें से, तो ये हो गए कोर या कैविटी, ये देखो लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो बार, हाँ बिल्कुल। चलो यहाँ से मैंने बॉडी लिया, यहाँ से देखो मिरर करा मैंने कमांड, ये मिरर करा, राइट। अब यहाँ पर हमारी सरफेस थी, 1 मिनट, इसको मैं शो कर देता हूँ जरा, ये देखो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या करा, ये कर्व नीचे मैंने बनाया है, राइट, कर्व नीचे बनाया, ब्लॉक टाइप के कर्व मैंने इस कर्व से स्प्लिट करा इसको। अब स्प्लिट करके ये वाला पोर्शन को मैंने ऐसे हाइड कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब फिर से मैंने क्या करा, इसको एक्सट्रूड करा, इसको मतलब ये अगर एक कर्व को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ नीचे, राइट। तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, देखो ऐसे, ठीक है, नीचे से एक प्लेन से ट्रिम कर दिया मैंने इसको, ये रहा प्लेन से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, देखो ये रहा, इस पर्टिकुलर प्लेन से इसको ट्रिम कर दिया, ड्यूरिंग द ट्रिम बॉडी मैंने प्लेन ले लिया और मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, माउंट प्लेन करा, माउंट प्लेन एंड सी कमांड, ठीक है। आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी विल गेट द कैविटी और द कोर, है ना, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखना, चलो अभी मेरे पास क्या है, एक और कंपोनेंट है, देखना जरा हम लोग इसकी क्या है, कोर और कैविटी बना रहे हैं। अब देखो जैसे मेरे पास ये कंपोनेंट, अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका कोर कैविटी निकल तो जाए, लेकिन क्या होता है कि ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, अरे अगर मैं इसकी कोर कैविटी निकालूंगा तो ये आपस में जुड़ा रहेगा ना। जैसे चलो बताता हूँ, जैसे मैंने एक कोर कैविटी निकाल रहा हूँ उसके लिए, ठीक है, देखना जरा। तो मैंने दोनों के लिए ब्लॉक बना लिया, कोर और कैविटी के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये रही कैविटी, ये रही कैविटी, अब इसके अंदर से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखना जरा, इसके अंदर सब्सट्रैक्ट करूं मैं तो ये कुछ अलग नहीं होगा अभी, देखना जरा ध्यान से, ये देखो अलग हुआ है क्या इसके अंदर से, अभी नहीं हुआ। मतलब अगर मैं कंपोनेंट को यहाँ से हटाऊँ और ये वाले पोर्शन को हटाऊँ तो ये तो अलग हो चुके, ये हो गए, अभी ये वाला पोर्शन पे अलग नहीं हुआ, देखो जरा कंट्रोल एच करके देखो, इसको अलग हुआ क्या, देखो नहीं हुआ ना, अलग नहीं हुआ। और ये वाला पोर्शन भी कोर कैविटी दोनों अलग हुए क्या, देखना यहाँ से, ये यहाँ पर एक पिन जा रही, देखो ये ठीक है, ये दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, देखो
ये भी अलग नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो मेरा जो ये कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट का ये वाला पार्ट है, देखना जरा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो कर्व का इस्तेमाल करके मैं इसको क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, देखना, ठीक है। सबसे पहले इन कर्व का इस्तेमाल करके मैं उसको क्या कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। देखो ये कर दिया मैंने स्प्लिट, ये देखो किस कर्व का इस्तेमाल किया मैंने, यूजिंग दैट कर्व, ये देखो मैंने इस कैविटी को स्प्लिट कर दिया है इस कर्व का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो कंपोनेंट के ऊपर अवेलेबल है। देखो ये जो कंपोनेंट के ऊपर अवेलेबल है ना, ये कर्व, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। इससे क्या मिला मुझे, इससे ये पूरा का पूरा पोर्शन बाहर आ गया यहाँ से, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन बाहर आ गया। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया हमारे कोर का। चलो यहां से, हाँ यह पार्ट हो गया हमारे कोर का, हटाऊ मैं इसको जरा, देखो ये क्लियर है, कोर का पार्ट हो गया, राइट। तो इसको ऐसा रहने देते हैं। अब देखो, अब मैं जब कंपोनेंट को हटाता हूँ, अब कौन कौन सा पार्ट बाकी है कैविटी के लिए, अब ये अंदर का पोर्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन रहना चाहिए ना, ये किसके अंदर जाना चाहिए, कोर के अंदर जाना चाहिए, ये जो पूरा पोर्शन जाना चाहिए कोर के अंदर जाना चाहिए, देखो है ना, ठीक है। अब देखो, अभी इस कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखो जरा इस कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये इसके लिए मुझे क्या बनाने पड़ेगी, स्टेप बनाने पड़ेगी। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना, ये बनेगी एक रिब, ये क्या बनेगी, ये रिब क्रिएट होगी, एक रिब बनेगी पूरी। मतलब रिब बनेगी मतलब कैसे, मैं इसको जरा इस तरह से रखता हूँ और यहां से मैंने इसको ऐसे करा, मतलब ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरह से रिब क्रिएट होगी, लाइक दिस, देखो ये ऐसी रिब बनेगी, लाइक दिस, क्लियर है, ऐसे रिब बनेगी जो किसके अंदर रहेगी, कोर के अंदर रहेगी, विद द ब्लॉक, विद द ब्लॉक, ठीक है। दूसरी चीज ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, जो नीचे वाला फेस दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला फेस दिख रहा है, दिख रहा है ये नीचे वाला फेस, ये किसके साथ जाएगा पूरा, ये कोर के साथ जाएगा पूरा, देखो जरा दिखा, ये क्या है, पूरा स्टेप है। जैसा हम लोगों ने डस्टर के कंपोनेंट में लिया था कि नहीं, डस्टर के कंपोनेंट में कैसा करा था हम लोगों ने, पूरा एक ब्लॉक बनाया था और ब्लॉक बना के उसके साथ हम लोगों ने उसको ऐड कर दिया था, राइट और रॉन्ग। और इसी ब्लॉक के साथ हमारी क्या जुड़ी रहेगी, ये रिब जुड़ी रहेगी, कौन सी रिब, ये वाली रिब, इसी ब्लॉक के साथ हमारी ये रिब जुड़ी रहेगी, ये वाली रिब, राइट, ये रिब जुड़ी रहेगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, जब ये नीचे वाला पोर्शन क्रिएट होगा, नीचे वाला पोर्शन क्रिएट होगा तो उसके साथ इस रिब को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, इस रिब को ऐड करूंगा, जिसके कारण ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जब ये कंपोनेंट को इसमें से जरा हटा के देखता हूं, ठीक है, फिर से एक बार इसको हटाते हैं, कंपोनेंट को यहां से हटाया भाई। अब देखो, अब ये कंपोनेंट जो है पूरा का पूरा, अब देखना यहां से हटाऊ कंपोनेंट को, देखो अब ये दिख रहा है आपको पूरा का पूरा पोर्शन, ये इसके अंदर आपको कुछ कर्व नजर आ रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर ये पूरा का पूरा कर्व नजर आ रहा है, दिख रहा है, देखो क्लियर है, हाँ बिल्कुल, ये जो दिख रहा है ना, ये कर्व, इस कर्व से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूं क्या, या स्प्लिट कर सकता हूं, राइट और रॉन्ग, फ्लैट कर्व है, फ्लैट कर्व से मैं इसको, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, जैसा आप अपनी खुद की अप्रोच लगाओगे, कभी कभी कोर और कैविटी बनाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रहते हैं तो कभी कभी उनको करना पड़ता है, राइट, देखो ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, देखना जरा, ठीक है, देखना, ठीक है, इसको मैंने पूरे पोर्शन को उधर से मैंने क्या कर दिया है, वन मिनट, इसको ये वाले पोर्शन को तो मैंने राइट कर दिया है, रुको, फिर से स्प्लिट कर रहा हूँ, देखो ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है, अब मैंने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया, अब ये पूरा स्प्लिट होके क्या हो गया, इसके इसके अंदर आ गया, मैंने उसी कर्व से स्प्लिट करा है ना, कैविटी को उसी कर्व से मैंने स्प्लिट करा है, देखो जरा फिर से, ये देखो ठीक है, ये देखो इसको हटाऊ जरा मैं, ये देखो इसी कर्व से स्प्लिट करा है, देखो कैविटी को, ये रहा कर्व, वो रही कैविटी, ये रही कैविटी, राइट,
और ये रहा कर्व, जैसे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, देखो जरा तो ये कैसा दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह का नजर आएगा लाइक दिस, फोर साइड में आ गया पूरा। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टेप में लेके आएंगे, ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा पूरा इसको हम लोग स्टेप में लेके आएंगे, देखो जरा ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या कर रहे हैं हम लोग, कभी कभी क्या होता है कि ये समझने में दिक्कत हो जाए। देखो ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, अब देखना जरा, अब ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ से स्प्लिट करूंगा मैं स्केच वगैरह क्रिएट करके। चलो अभी मैं डायरेक्ट स्प्लिट करता हूँ, देखो यहाँ से मैंने इस पोर्शन को स्प्लिट कर दिया, यहाँ से इसको हटाता हूँ, देखो जरा ठीक है ठीक है। अब कंट्रोल जे करके इसको मैं जरा ट्रांसपेरेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो अब क्या करना है मुझे, देखो जरा ये वाले पोर्शन को निकालना है इसके अंदर, देखो पूरे को निकालना है ये वाले पोर्शन को, देखो यहाँ से काट दूंगा मैं यहाँ से, तो ये वाले कर्व से मैं इसको काट सकता हूँ ठीक है। देखो ये देखो काट दिया मैंने ये वाले पोर्शन को भी, इसको भी मैं ले जाता हूँ उधर, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी राइट। अभी भी और काटता हूँ मैं, ये देखो ये वाले पोर्शन को भी मैं ले जाता हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है अभी, देखो ये ले गया ठीक है। अब ये जो तुम फेस दिख रहे हैं इससे मेरी रिब निकलेगी, देखो ये एक फेस हुआ, ये एक फेस हुआ, ये एक फेस ये हुआ और एक फेस ये हुआ है कि नहीं, दिख रहे हैं? इससे मेरी क्या निकल जाएगी, पूरी एक रिब निकल जाएगी राइट। देखना जरा स्प्लिट करा ये वाले पोर्शन को राइट, अब यहां से मैंने इसको भी इस तरह से स्प्लिट कर दिया, देखना जरा ठीक है। ये वाले पोर्शन को मैं जरा पीछे ले जाता हूँ, देखो पीछे ले गया, ये वाला पोर्शन भी इधर ले गया, ये मेरी रिब बन गई दो राइट। मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा क्या बन चुका है, अब कैविटी, देखो जरा ध्यान से पूरी कैविटी बन चुकी है, और ये वाला पोर्शन क्या बन चुका है पूरा कोर सी, अगर मैं दोनों को यूनाइट कर दूं तो यू विल गेट कोर एंड कैविटी लाइक दिस, देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाकी के ऊपर से निकल गया होगा थोड़ा थोड़ा हो सकता है राइट। देखो ठीक है, अब इसका कंपोनेंट अगर मैं लेके जाऊंगा ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या मुझे, नहीं आएगी भाई, क्यों आएगी, देखो आया समझ में, कोर पार्ट पूरा कंप्लीट, प्लेट मतलब कौन सी, हाँ ये कोर है ये वाला, देखो बेसिकली हमारा मतलब क्या है इसमें, इसमें कोर और केविटी हमारा प्रॉपर तरीके से निकल जाना चाहिए बिना किसी किसी चीज को अटके हुए, मतलब अटकना नहीं चाहिए कोई चीज, मकसद ये है ठीक है। फिर से मैं कोर बताता हूँ, देखो जरा ठीक है, अब अगर कोर को मैं पूरा बताऊंगा आपको तो देखो कैसा दिख रहा है, देखो रिब जैसा बन गया है पूरा। अब इसको क्या होता है बेसिकली, मैंने रिब को चाहूं तो मैं उधर भी ले सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मशीनिंग जो रहेगी वो पूरी यहां पर हो, एक साइड ही हो, कोर में ही हो, कोई कैविटी में मशीनिंग कराने की क्या जरूरत है रिब वगैरह का, क्योंकि अंदर मुझे रिब फिर अंदर काटनी पड़ेगी ना, उसके अंदर रिब इसके अंदर मुझे अंदर काटनी पड़ती है कि नहीं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता, लेकिन इसके बाहर यहां पर काटना मेरे लिए ईडीएम से आसान है, नहीं क्लियर है थोड़ा समझ में आया, प्लीज रिप्लाई। ठीक है तो बेसिकली आज का मतलब मेरा मकसद ये था कि किसी भी तरह का कंपोनेंट जब आपके पास आएगा ना तो उसकी कोर और कैविटी आप बना सको, मकसद ये है राइट। चलो अब एक और कंपोनेंट लेते हैं हम लोग जरा, ये मेरे पास एक कंपोनेंट है देखो जरा ठीक है, ये कंपोनेंट आपने पहले देखा भी होगा कई बार है ना। अब इस कंपोनेंट की अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कोर और कैविटी कैसे बनेगी ठीक है, तो इसकी कोर और कैविटी बनेगी यूजिंग कर्व एंड द
सरफेस और कर्व का इस्तेमाल करके, मतलब मैं इसका एक कोई एक पोर्शन बनाऊंगा, या तो मैं इसका कोर बनाता हूँ या तो मैं इसका कैविटी बनाता हूँ। तो भाई मैं इसका कैविटी बनाता हूँ पहले, ठीक है, इसका पहले कैविटी क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसका गेट पॉइंट कहां पर बनने वाला है, बताओ मुझे। चलो मैं पॉइंट दे देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो बताओ, 5 यहां पर। तो ये जो कंपोनेंट है ये अनस्क्रूइंग कंपोनेंट है भाई, ये थ्रेडेड वाला कंपोनेंट है। अगर मैं नीचे दूंगा तो ये अनस्क्रू कहां से होगा, इसके अंदर थ्रेड है। चार में अगर मैं दूंगा तो अगर मैं इस ढक्कन को बंद करता हूं तो ये इसका गेट पॉइंट यहां पर आएगा, उठा हुआ रहेगा, तो गेट पॉइंट के कारण इसके लगने मतलब क्लोज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अपीयरेंस में भी खराब लगेगा। हाँ, वन नंबर दे सकते हैं, बिल्कुल सही। वन नंबर क्यों दे सकते हैं, उसका कारण, वन नंबर इसलिए दे सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है ना, ये किसके लिए होता है, ये ढक्कन को खोलने के लिए होता है, और ढक्कन को खोलने के लिए होता है तो वहां पर ऑलरेडी आपका नेल या फिर उंगली लगेगी वहां पर, है ना, नेल लगेगा, तो वो पोर्शन तो वैसे भी खराब होने ही वाला है, वो पोर्शन तो वैसे भी खराब होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका गेट पॉइंट होगा। तो अगर आपके लिए इस कंपोनेंट के लिए गेट पॉइंट कुछ इस तरह से होने वाला है, लाइक दिस, ये कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है, तो गेट पॉइंट आपका होगा यहाँ पर और ये रहेगा इसका पार्टिंग, बेसिक पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन कहाँ पर होगा भाई इसका, ये रहा, 1 मिनट फिर से बनाया था, ये होगा इसका पार्टिंग लाइन, है ना, इसका रनर बनाया जरा, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द रनर, दिस इज द रनर, ठीक है, और इसका क्या बनाएंगे हम लोग, गेट, देखो जरा ये रहा, गेट विल बी लाइक दिस, कैसा गेट बनाइए, सबमरीन गेट, सबमरीन गेट, ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा, सबमरीन गेट, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके आपको क्या निकालना है, एक कोर और कैविटी निकालना है। जनरली मैं इसकी कोर और कैविटी निकालता हूँ, सिर्फ जनरली एक कोर और कैविटी बना के दिखाता हूँ एक, ताकि आपको समझ में आए कि कोर और कैविटी कैसे बनेगी, क्लियर है, ठीक है। तो चलो मैं एक स्केच ले लेता हूँ भाई, उस पर क्लिक करा मैंने और क्या करता हूँ, एक एक स्केच बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, इसका सेंटर से अलाइन कर देता हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 50 mm और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 75 mm एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द 35 mm, ये कर दिया मैंने, ओके, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी ये जो कंपोनेंट, चलो अभी मैं सिर्फ इसकी क्या बना रहा हूँ, कोर और कैविटी क्रिएट कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है, कोर और कैविटी क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं क्या लेता हूँ, सरफेसिंग लेता हूँ, सरफेसिंग का यूज करा मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, ऑफसेट सरफेस लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने लिया टेंजेंट फेस, यहाँ पर मैंने इसको करा 0, ऑफसेट 0, यहाँ पर क्लिक करा इसको, इस फेस को भी क्लिक करा मैंने, इसको भी क्लिक कर लिया भाई, 1, 2, इसको भी क्लिक कर लिया, इसको भी क्लिक कर लेते हैं ऊपर, इसको भी क्लिक कर लिया मैंने, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको हटाया था, है ना, ये ऊपर वाला को, ठीक है, ये हो गया 1, 2 एंड अगेन 3 एंड 4, ठीक है, ये हो गया। मैंने क्या ले ली, इसकी सरफेस सिलेक्ट कर ली है, है ना, इसकी सरफेस मैंने सिलेक्ट कर ली है और इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये हो गया, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये हो गया, एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। अब मैं कंपोनेंट को हटाऊं, जरा कंपोनेंट को मैंने हटा दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गई, सरफेस आ गई, दिख रहा है यहाँ पर सरफेस आ गई ऊपर की, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं भाई, ये होगा बाउंड, इसको कर लिया ओके, बंद हो गई सरफेस, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से सर हम लोग मिलाते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो इट विल बी लाइक एन इंसर्ट, ये एक इंसर्ट की तरह रहेगा, राइट। तो चलो मैं 3D कर्व का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से मैंने पॉइंट ले लिया 1 एंड दिस इज द 2 एंड अप्लाई अगेन 1 एंड दिस इज द 2 एंड ओके, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट करते हैं, राइट, देखो यहाँ पर हमारे पास सरफेस में जाएंगे, यहाँ पर मैं बाउंड्रेड प्लेन लिया,
वन टू थ्री एंड फोर, एक सरफेस बन गई, अगेन वन टू थ्री एंड फोर, ये क्या बन गई, सरफेस बन गई, देखो जरा, ठीक है। मेरा मकसद क्या था, इसको सीधा करने का, भाई ये सीधा हो जाए बिल्कुल एकदम, ये सीधा हो जाए, ये देखो, ठीक है। अब देखना अब क्या होगा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से फिर से बाउंड प्लेन लेता हूँ, बाउंड प्लेन वन टू थ्री एंड फोर, है ना, और इसको भी सिलेक्ट करा मैंने, इसको इसको भी सिलेक्ट करा भाई, इसको भी सिलेक्ट करा लाइक दिस, इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, देखो, और इस क्लिक करके ओके, देखो ये बाउंड हो गई पूरी तरह से, राइट। वेयर इज द कंपोनेंट, सी दिस इज द कंपोनेंट, अब इस कंपोनेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। अब इसको मैंने क्लिक करा और इसमें इसको एक्सट्रूड कर दिया, अब जब मैंने इसको एक्सट्रूड करा, चलो कितनी बड़ी कैविटी लूंगा भाई मैं इसकी, सिंपल सा रूल था, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल थिकनेस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं इसको शीट ले लेता हूँ, शीट ले लेता हूँ, जस्ट मैं कोरोनर कैविटी क्रिएट कर देता हूँ, 30 mm की ले ली मैंने, राइट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, अगेन यहाँ पर जाएंगे और मैंने बताया था बाउंड, ये इसको बाउंड कर देते हैं और इसको ओके कर दिया, देखो तो अब ये क्या बन गया कंप्लीट, देखो जो इस तरह से क्रिएट हो गया, राइट राइट, इस तरह से क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये देखो एंड ओके, कंट्रोल एच करके देखो, सॉलिड बन गया, इसकी क्या बन गई, ये कैविटी बन गई, राइट। अब इस पर क्लिक करा मैंने, फिर से मैंने इसको नीचे एक्सट्रूड कर देता हूँ और 50 mm के लिए एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, और इसको मैंने ले लिया, नन कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको इसके अंदर से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ठीक है, ये सब्सट्रैक्ट कर, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है इसको भी इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं भाई, ये कर दिया एंड क्लिक ओके। तो ये क्या बन गई इसकी, कोर और कैविटी, कंट्रोल एच करके देखो, सी कोर एंड कैविटी, कंट्रोल जे करके इसको मैंने ओके करा, इसको कुछ कलर दे देता हूँ, ये हमारा कैविटी हो गया, दिस इज द अगेन एक कलर हो गया और ये हमारा कोर हो गया, ठीक है, ये देखो। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल एच करके देखो, इसमें देखो इसमें अभी प्रॉब्लम है कुछ, और प्रॉब्लम क्या है वो चीज थोड़ा समझते हैं, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम है इसके अंदर ये वाला अंडरकट, देखो राइट, ये वाला अंडरकट, ये दिख रहा है, ये अंडरकट कितना है, 0.3 mm का है मात्र, सिर्फ 0.3 mm का अंडरकट है, अंडरकट पीपी होता बिल्कुल जंपिंग आउट में निकल सकता है, लेकिन वो रेडियस, अब ये कंपोनेंट का बाहर का पार्ट है, पहले पता तो बाहर का फेस है ना, बाहर का फेस है, और बाहर का फेस अगर मान के चलो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सीधा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब अगर मैं इसको जंपिंग में निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही क्या करेगा, स्क्रैच करता हुआ निकलेगा, और स्क्रैच करता हुआ निकलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कंपोनेंट का अपीयरेंस खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं निकल नहीं पाएगा, निकल जाएगा बिल्कुल, नहीं निकल जाएगा, लेकिन कंपोनेंट का अपीयरेंस खराब हो जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप निकालना पड़ेगा, सी। तो यहां पर अगर इसको ध्यान से देखो अगर आप, तो इसके अंदर आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या है, ड्राफ्ट, देखो जरा यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ड्राफ्ट दिख रहा है, ड्राफ्ट, तो ये क्या बनेगा, एक सेंटर इंटरलॉक की तरह काम करेगा, ठीक है, देखो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मैंने एक स्केच ले लेता हूं जरा, क्योंकि इस पोर्शन को मुझे थोड़ा सा अलग करना है, दैट्स व्हाई, है ना, यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ से मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा अलग करना है ना, चलो
यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट करा, किस कर्व से, इस कर्व से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको अलग कर देता हूँ, देखा जाए, ठीक है, ये हो गया अलग, ठीक है, और इस पोर्शन को मैं पीछे ले जाता हूँ, देखो जरा, राइट, तो दिस इज लाइक ए स्टेप, ये कैसा बना, एक स्टेप की तरह बना, ठीक है, इसको अगेन मैंने एक एक कर दिया, और ये किसका पार्ट हो गया, राइट, तो ये कैसा बना, कंट्रोल एच करके इसके अंदर फिर से हम लोग सेक्शन भी काटते हैं, देखो जरा, ये दिस इज लाइक अ स्टेप, ये क्या बना है, एक स्टेप की तरह काम करेगा, देखो ये रहा स्टेप, तो आपको कोई प्रॉब्लम है इसको निकालने में, कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों ने स्टेप बना दिया। अब यहाँ पर जो रनर बनेगा वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, ये रहा रनर, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द गेट, क्लियर हुआ, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, थ्रेडेड, इसका मतलब ये क्या रहेगा, हमारा कोर रहेगा, तो ये क्या करेगा, अनस्क्रू करके निकलेगा, अनस्क्रू करके निकलेगा, राइट, तो अनस्क्रू करके निकलेगा, तो मतलब ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, कोर रहेगा, मतलब इससे अलग हो जाएगा, और ये क्या रहेगी, एक शाफ्ट की तरह काम करेगी, और ये रोटेट करेगी बीच में, क्लियर है, इसके बारे में हम लोग मंडे के दिन देखेंगे, ठीक है, मंडे के दिन थोड़ा सा हम लोग उसको और आगे समझेंगे, ठीक है, तब तक ये जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए हैं, एक तो टूथब्रश और एक जो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ग्रीन कलर का, और उसका आप कोरोर कैविटी निकाल के ट्राई कीजिएगा, और इस कंपोनेंट को भी मैं शेयर कर रहा हूँ, कोरोर कैविटी बना के ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है, बाकी देखो, बाकी अगर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट आपके पास आएंगे कभी फ्यूचर में, तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर चीजें डिपेंड करती है, ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के साथ, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, क्लियर, चलिए ठीक है, मंडे के दिन मिलेंगे हम लोग, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए इसको थोड़ा सा, और कल के दिन आपको टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा डिजाइन के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा, ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, गुड डे, गुड नाइट।